हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है योर टेक बफ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन में बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं तो उन एप्लीकेशन से आपको अलग अलग टाइप की नोटिफिकेशंस वगैरह आती रहती होंगी। जैसे कि मैं आपको अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बार पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशंस वगैरह आई हुई हैं। शेयर इट है, उसकी तरफ से अलग अलग वीडियो नोटिफिकेशन आती रहती हैं। MI वीडियो है, उसकी तरफ से अलग अलग नोटिफिकेशन आती रहती हैं। जियो TV की तरफ से, हॉटस्टार की तरफ से, इंस्टाग्राम, और ऐसे ही अलग अलग एप्लीकेशंस होती होंगी आपके फ़ोन में भी जिनसे आपको नोटिफिकेशन आती रहती होंगी। उससे होता ये है कि ये जो नोटिफिकेशन बार है ये पूरा भर जाता है, कि कुछ एप्लीकेशंस जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए उनकी नोटिफिकेशन इसके बीच में गुम हो जाती है और आप देख भी नहीं पाते या मिस कर जाते हैं उन नोटिफिकेशंस को जो जरूरी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये जो अननेसेसरी एप्लीकेशंस हैं जिनकी तरफ से आपको नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं उसको कैसे डिसेबल किया जाता है। तो इससे होगा ये कि वो जो एप्लीकेशंस हैं इनकी नोटिफिकेशंस बंद हो जाएंगी आना, और ये जो आपका स्टेटस बार है ये हर समय भरा नहीं रहेगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इसको जानने के लिए कि ये कैसे होता है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने योर टेक बफ यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, या फिर आप इस पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही उसके साइड में एक बेल का आइकन भी दिखाई देगा, उसको भी दबाना मत भूलिएगा। इससे फायदा ये होगा कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वापस वीडियो के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन बार पे अलग अलग नोटिफिकेशंस वगैरह आपको दिखती हैं, अगर आप इनको हटाना चाहते हैं, यहाँ से डिसेबल करना चाहते हैं, तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो सेटिंग्स का आइकन दिखाई दे रहा है आपने इस पर टैप कर लेना है और सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं आपने नीचे स्क्रोल करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार। तो इस पर टैप करके इसको ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही ये ओपन हो जाता है तो आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे जाएगा एक ऑप्शन, ऐप नोटिफिकेशंस। तो इसको ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही ये ओपन हो जाता है ये आपको एक लिस्ट दिखा देगा, आपके फ़ोन में जो जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं उसकी लिस्ट है ये। तो आपने उस एप्लीकेशन पे चले जाना है जिसकी तरफ से ज़्यादा नोटिफिकेशंस वगैरह आती हैं। तो यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन है जिससे आपको नोटिफिकेशंस आ रही हैं। तो मेरे को ब्राउज़र से बहुत आती है नोटिफिकेशन, तो मैं ब्राउज़र पर टैप कर दूंगा। और यहाँ पर टैप करने के बाद आपको स्टार्टिंग में ही ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, शो नोटिफिकेशंस, ये ऑन है। तो इसको हम डिसेबल यहाँ से कर देंगे, इस पर मैं टैप कर दूंगा। तो जैसे मैं इस पर टैप कर देता हूँ ये डिसेबल हो गया है, यानी कि अब जो है ये हमें नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा जो हमारा वेब ब्राउज़र है। तो मैं बैक दबा देता हूँ। इसी तरीके से आप अलग अलग एप्लीकेशंस हैं उनको उनकी नोटिफिकेशन को डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर आप फेसबुक की नोटिफिकेशन हटाना चाहते हैं तो फेसबुक पर टैप कर देंगे और यहाँ पर जो शो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है उसको डिसेबल कर देंगे। उसके बाद मैं बैक कर देता हूँ। तो अब आपको आइडिया लग गया है कि आपने कैसे किसी भी ऐप को सेलेक्ट करके उसकी नोटिफिकेशन को डिसेबल करना है। तो अगर आप बाद में दोबारा से अगर आप इनेबल करना चाहेंगे किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन, तो उसको करने के लिए आपने दोबारा से इसी सेटिंग में आ जाना है और आपने उसको दोबारा से यहाँ से री इनेबल कर लेना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने सीख लिया है कि आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं अगर आपको उनकी तरफ से बार बार अनॉइंग नोटिफिकेशंस वगैरह आती रहती हैं उसको कैसे डिसेबल किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही इसको शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग मोबाइल से रिलेटेड सेटिंग्स की जानकारी मिलती रहती है। तो मैं मिलूंगा आपको जल्द ही किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।